आपके सामने ई रिक्शे का ये 48 वोल्ट का जनरेटर है जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इसमें इस तरह के तार लगे हुए हैं, वायरिंग से आपके आए हुए हैं। यहाँ से देखिए ये सारे तार हैं, जिसमें से एक ग्रीन कलर की तार है, यहाँ से ब्रेक हो गया था इस वजह से थोड़ा सा बढ़ा करके रेड किया हुआ है। ये आपके इंजन से ब्लैक कलर की तार से जो आपके एक्सीलेटर के पास से जुड़ी हुई है, अंदर इधर गई हुई है। यहाँ से लेकर के इन दोनों में आपके एक येलो और एक ग्रीन, ये दोनों तार एक वायरिंग हार्डनेस से आई है, एक इंजन से आई है, ये उससे ऐड होता है। ये देख सकते हैं ये आपका स्विचिंग का है, ग्रीन डबल तार जो है ये आपका ऑन होने का है, और दो तार और हैं आपके जो आपके वायरिंग हार्नेस में गए हुए हैं। ये ग्रीन डबल ग्रीन और ब्लैक जो है ये स्टार्टर के हैं, ये ऑफ करने के हैं। उसके अलावा ये 48 वोल्ट का कन्वर्टर है, ये यहाँ से इसको कन्वर्ट करता है। आपका जैसे ई रिक्शे में मोटर होता है तो मोटर 48 वोल्ट से चलता है, तो वही सेम तीन कलर के तार हैं जो इसमें जा करके कन्वर्ट होकर के इस तरीके से कन्वर्ट होकर के इसमें से निकलते हैं 48 वोल्ट से, और ये सीधे पॉजिटिव तार आपका MCB में जुड़ा हुआ है। ठीक, तो इससे क्या होगा कि ये डायरेक्टली आपके वायरिंग को, अगर मान लीजिए इनकेस कोई भी गड़बड़ी होती है, वोल्टेज हाई लो का सिस्टम होता है, तो ये आपके MCB से ऑन या ऑफ हो सकता है। और सेकंड नेगेटिव तार आपका पीली डिब्बी में जंक्शन बॉक्स में जुड़ा रहता है। उसके अलावा ये वायरिंग जो आपका वायरिंग हार्डनेस ई रिक्शे का ऑन ऑफ होता है, ये सीधा इधर से जाते हुए ये तार है, ये इस तरीके से ये ऑन आपका रेड कलर ये ऑफ का स्विच है, ये ग्रीन कलर ऑन का स्विच है। इसके अलावा इसमें एक ब्लू कलर का और तार होता है जो आपके मेन स्विच में इस तरीके से, मतलब जिसमें 48 वोल्ट ना आता हो, स्विचिंग के बाद में जिसमें 48 वोल्ट आता है, कहने की मीन्स इस वाले तार में आपका 48 वोल्ट वायरिंग से आ रहा है। ठीक है, तो जब स्विच ऑन होती है तो इसमें से तार होकर के ब्लू वाले तार से रिटर्न होकर के ऑरेंज वाले तार से आता है। तो ये आपके ब्लू तार में, ये ब्लू तार मैंने ऐड किया हुआ है, तो चाबी ऑन करने में इसमें 48 वोल्ट आपकी सप्लाई यहाँ से सीधी होते हुए वायरिंग से ये पूरी सीधी कन्वर्टर में जाती है। ये आप देख सकते हैं ब्लू तार वहाँ आगे से स्विचिंग से होकर के कन्वर्टर में जा रही है, जो 48 वोल्ट कन्वर्ट करके गाड़ी इसको स्टार्ट कर, इस तरीके से आपका कनेक्शन होता है। अब रही फ्यूल वाली बात, यहाँ पे आपका फ्यूल पाइप होता है, फ्यूल यहाँ से होते हुए